न्यूज इन इंडिया से मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। नारनौर के सामने गंगा नदी पर बनने वाले पुल की अप्रोच रोड का विधायक और सांसद ने किया शिलान्यास। चांदपुर बिजनौर से ब्यूरो चीफ विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर और मेरठ को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बन रहा पुल एवं अप्रोच रोड प्रगति की राह पर है। सन 2008 से कंड बिजनौर और मेरठ जनपद को जोड़ने वाले गंगा नदी पर नारनौर के सामने पुल और अप्रोच रोड का निर्माण तेज गति से चल रहा है, जिसके लिए जनपद बिजनौर की ओर से अप्रोच का आज रविवार को दोपहर बाद क्षेत्रीय विधायक कमलेश सैनी और सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने मिलकर संयुक्त रूप से अप्रोच रोड का शिलान्यास किया। पीडब्ल्यूडी मेरठ के सहायक अभियंता महेश बालियान ने बताया कि गंगा नदी पर बन रहे पुल से दोनों ओर 5.5 किलोमीटर अप्रोच रोड का निर्माण होना है, जिसको पीडब्ल्यूडी मेरठ द्वारा बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 करोड़ रुपए की लागत से अप्रोच रोड साइट का मिट्टी कार्य और सड़क लेपन कार्य मार्च तक पूरा करना है। ग्राम नारनौर के सामने से गंगा नदी पर बन रहे पुल तक लगभग 5.5 किलोमीटर कार्य का कंस्ट्रक्शन सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन पुल का 80% कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक कमलेश सैनी ने बताया कि पूर्व प्रदेश सरकार के शासनकाल में पुल के निर्माण का कार्य बंद चल रहा था। भाजपा के शासनकाल में पुल का निर्माण कार्य तेज गति से चालू करा दिया गया है, जिसको 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने भी पुल के निर्माण का शीघ्र आश्वासन दिया। अप्रोच रोड के शिलान्यास के अवसर पर सहायक अभियंता महेश बालियान, जेई मुकुल तेवतिया, श्रवण पाल जेई, पंकज कुमार, पुल और सड़क के ठेकेदार सुमित बख्शी आदि भी मौजूद थे। इस अवसर पर रेलवे उपभोक्ता फोरम के सदस्य सुधींद्र सिंह, विधायक पति हरी राज सिंह, मनोज प्रधान फीना, सरदार गुरमीत सिंह, सरदार सुमित सिंह, विकसित चौधरी। ये पुल का यहाँ पे इस तरफ से सड़क बननी है, दूसरी तरफ से हस्तिनापुर से बन ही रही है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है, काम निरंतर चल रहा है वहाँ पर। ये दोनों तरफ से पुल बन जाएगा और ये सड़क के बन रही है और बीच में इसका पुल जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा था वो हमने उसे पुनः चालू, उस पर काम अब चालू हो जाएगा। ये पुल का है या रोड का? ये रोड का है सर। पुल का काम अभी प्रगति पर है और ये रोड का शिलान्यास किया जा रहा है, क्या वजह है? ये पूरा जो पिछड़ावा इलाका है, ये अगर यहाँ पर पुल एक दफ़ा बन जाएगा तो यहाँ पर यातायात आने लगेगा, लोग आने लगेंगे और पूरा बाकी तो किसान में और गांव वाले में खुद बड़ी हिम्मत है हिंदुस्तान में, सिर्फ सड़क और बिजली का अगर हमारे लिए आ जाए तो ये अगर पुल बन जाता है तो ये पूरा क्षेत्र जुड़ जाएगा सीधा मेरठ और दिल्ली से, तो इस वजह से यहाँ पर इतनी संपन्नता आएगी ये सड़क के बनते ही, ये पुल के बनते ही, तो ये दोनों काम किए जा रहे हैं, पुल भी बन रहा है और दोनों तरफ से सड़क भी बन रही है। सांसद जी, क्या ये पैसा जो पुल बनाने के लिए दिया जा रहा है ये बिजनौर से दिया जा रहा है या जनपद मेरठ से दिया जा रहा है? ये पीडब्ल्यूडी का है, अब ये कौन से कार्यालय में दिया जा रहा है ये मेरे ख्याल मेरठ से ही है। मेरठ से ही। जनपद बिजनौर द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया? प्रांतीय खंड मेरठ है तो ये तो, तो इसमें क्या वजह है जो इसमें बिजनौर की कार्यतंत्र स्वतंत्र है जो इसमें भाग नहीं लिया, मेरठ को क्यों दिया गया है? ये शुरू ही उधर से हुआ हुआ है, उधर का काम हमने पहले ही बहुत मेरे ख्याल 2 महीने पहले उसका उद्घाटन हो गया था, तो ये उधर से सड़क बनती हुई आ रही है। किसी भी खंड को मिल जाए पैसा तो प्रदेश सरकार की जेब में से जाना है, चाहे इस जेब में से जाए चाहे उस जेब में से जाए, इससे क्या अंतर होगा? महेश बालियान, आज उद्घाटन हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है? सड़क का। कितनी लागत की सड़क है, कौन से विभाग की सड़क जा रही है? लोक निर्माण विभाग मेरठ द्वारा बनाई गई है और 30 करोड़ रुपए का इसका टेंडर है जी। आपको पेंटेड रोड मिट्टी से लेकर लेपन तक का कार्य, इसकी समय सीमा क्या है, कब तक काम जो है विभाग का कार्य मार्च?